इस बार महाराष्ट्र में मॉनसून झूम कर आया है। अब इस कदर बरस रहा है कि कई शहरों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई से लेकर पुणे तक बारिश का पानी मुसीबत का सबब बना हुआ है, लेकिन इससे कहीं बड़ी आपदा जैसे यहां दस्तक देने का इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र के बांध प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। ये रत्नागिरी जिले के जालना का जुई डैम है। 6 साल से सूखे इस डैम में इस साल बाहर आई है। बांध 99% भर चुका है। भोकरदन शहर के साथ 25 गांवों की प्यास बुझाने वाला ये डैम कभी भी टूट सकता है। जुई डैम की दीवार में लीकेज है। एक दो नहीं, कुल 5 जगहों पर लीकेज को साफ देखा जा सकता है। जाहिर है पानी के बढ़ते प्रेशर से डैम की कमजोर हो चुकी दीवारों में दरार आई, और कहीं से ये दरक गई तो पूरे इलाके पर कहर टूटेगा। लेकिन जिला प्रशासन जैसे इससे बेखबर हो, कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। रत्नागिरी जिले के जुई डैम के अलावा खेम डैम में लीकेज की शिकायत है। डैम की दीवार में दरारें आ गई हैं और इनसे पानी का रिसाव हो रहा है। जाहिर है कि जिस हरने गांव में ये डैम है, उस गांव के लोग किसी अनहोनी की आशंका से खौफ के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज देवले धर्म को 15 साल पूरा हुआ, लेकिन इस 15 साल में इस धर्म का कोई भी इंसान या किसान को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो धर्म पूरी तरह से डैमेज है। प्रशासन के पास 15 साल से दुरुस्ती के लिए मांगनी कर रही थी, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अगर प्रशासन को वो पूरा दुरुस्त नहीं करना है तो ये बांध निकल के हमारे शेतकरी लोगों का जमीन वापस दीजिए, अन्यथा वो दुरुस्त कीजिए, ये मांग हमारी ग्रामस्थ की है। रायगढ़ जिले के पौलादपुर के देवली डैम के भी हालत अलहदा नहीं। यहां से मिली लीकेज की शिकायत पर स्थानीय विधायक भरत गोगावले ने देवली डैम लीकेज का जायजा लिया। 16 साल पहले 4.5 करोड़ की लागत से सिंचाई के लिए बने इस डैम की दीवार की सतह से रिसाव हो रहा है। रत्नागिरी के तिवरे बांध हादसे के बाद महाराष्ट्र में प्रशासन सतर्क तो हुआ है, लेकिन जिस तेजी से बांधों की मरम्मत की जानी चाहिए वो नहीं हुई है। ऐसे में हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं और सैकड़ों गांवों का सामना बाढ़ के संकट से हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।